सुनिया, क्या कहना है, राखी की नेबर रह चुकी है आप। जानना चाहूंगे कि जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है राखी और आदिल के बीच, इसमें आप किसके साइड हो या किस? मैं राखी की नेबर नहीं रह चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उनके सोसाइटी में रहती थी, है ना, मैं उनके सोसाइटी में मैं रेंट पे रहती थी, और मेरे साथ और भी लोग रहते थे, गर्ल्स रहती थी, तो उनको भी पता था कि मेरा इंट्रैक्शन, मतलब मेरी जो बात बात हुई है वो आदिल से हुई है, और मैंने उनको भी शेयर किया है। वो अभी मुंबई में नहीं है, ऑफकोर्स जब वो आएंगे मैं उनसे बात करवाऊँगी, ऑफकोर्स, क्योंकि जो इल्ज़ाम आदिल पे लगे हैं हमने खुद देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे उनके घर में लड़ाई झगड़े जो होते थे, जो आवाज़ें आती थी वो राखी सावंत की ही आती थी। तो कभी कभी उनको, मुझे लग रहा है कि उनको फंसाया जा रहा है, 100% फंसाया जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैंने उनको समझा है, जाना है, एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे उनको दिखाया गया है, एज अ क्रिमिनल वो है नहीं। बाकी राखी सावंत का कहना है कि उन्हें मारा पीटा है, तो मारा पीटा है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। जिस दिन वो घर छोड़ के गए थे, उनका सामान पैक, वो नीचे आए थे, तो उनके हाथों में, उनके इधर पूरे नाक से खून, उनके, मैं शॉक्ड हो गई कि लाइक आपके साथ वो ऐसे कैसे कर सकती है। मैंने कहा आप मार खा सकते हो एक लेडी से, एक मर्द हो, क्या मार खा रहे हो अपनी बीवी से, क्यों, मतलब ऐसा क्या कर दिया आपने? बोले सोनिया मेरी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हें बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, बट मौका नहीं मिल पाया, उन्होंने मुझे बताने का मौका नहीं मिल पाया। उसके बाद वो जेल चले गए थे, फिर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो अभी हो पाया, तो सारी चीज़ें सच पता है, तो मैं आज सामने आई हूँ बताने के लिए। राखी के लिए जैसा कहा गया है कि राखी रिश्ते मतलब के लिए बनाती है, पैसों के लिए बनाती है, क्यों, क्या कहना है? देखिए मैं सच कहूँ, पहले जो चीज़ें हुई है, आपने, हमने, हम सब ने मीडिया में देखा है, न्यूज़ें सुनी हैं, सारा चीज़ें देखा है, बट आज जो मैं कहूँगी, जो आदिल खान दुर्रानी के साथ चीज़ें हुई है, तो मैं कहूँगी कि हाँ, वो शायद पैसे के लिए करती हैं, और पैसे के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए करती हैं। वो एक कंट्रोवर्सियल गर्ल, मतलब उनको यही चीज़ें चाहिए उनके लाइफ में, उनको हस्बैंड नहीं चाहिए, उनकी लाइफ में उनको अच्छे दोस्त नहीं चाहिए। आपने देखा होगा, अच्छे दोस्त, इतने साल पुरानी दोस्ती, जब वो उस रिश्ते को नहीं निभा पाई हैं, उस उन पे, क्या नाम है उनका, राश्री, उन पे ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं, तो ऑफकोर्स वो क्या है, वो एक कंट्रोवर्सियल गर्ल ही है। उनको नहीं आते रिश्ते निभाने, उनको, वो किसी भी इंसान से शादी कर ले, किसी अच्छे इंसान से, बुरे इंसान से, वो कोई रिश्ते नहीं निभा सकती हैं, जहाँ तक अब लग रहा है, क्योंकि पहले जो हुआ है और अब की बात में हमने अपने आँखों से देखा है। अगर मैं बोलती कि हाँ, जो उनके पहले जो अफेयर रहे हैं, मैं कहती कि नहीं, मुझे नहीं पता है। रही आदिल खान दुर्रानी की बात, तो मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, मेरी बातें हुई है, मैंने देखा है उनके नाखून और खून, ये सब मैंने देखा है अपनी आँखों से, इसीलिए मैं सामने आई हूँ। क्या कहना है, लाइक ये सारी चीज़ें जो स्टार्ट हुई है, किसके तरफ से, क्या, कितनी सच्चाई आपको लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखो अगर मैं कहूँ तो ये जो सच्चाई है, साफ साफ पता चल रहा है कि आदिल खान दुर्रानी बेगुनाह हैं, बेगुनाह हैं वो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उनको फंसाया गया है जानबूझ के, और जो भी सारे प्रूफ उन्होंने दिए हैं, जांच कर लो ना, कौन मना कर रहा है, पुलिस है, मीडिया है, जांच कर लो, अगर वो प्रूफ, वो सच ही निकलेंगे। और आपने देखा होगा कितना नॉर्मली, कितना पेशेंस में होके, कितना शांत उनका स्वभाव है, जो उनका नेचर है, उनके नेचर में है वो चीज़, बिल्कुल शांत, और वो कभी झगड़ा तो कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। ओके, कहीं ना कहीं आपने भी राखी से बात करने की कोशिश की थी, क्या हुई थी वो आपकी राखी के साथ बात, आप बता रही थी? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मैंने कई बार उनको बोला कि जैसे मेरे को मिली कि हाँ लाइक बात कर लेते हैं एक बार, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो शॉर्ट आउट कर लो, बात कर लो, तो नहीं, कभी मेरा उनसे ऐसा कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ है, कभी कोई बात नहीं हुई है। मैंने उनको दूर से ही देखा है, और लाइक हर कोई बोलते ना कि अरे बाबा राखी सावंत से बचो, राखी सावंत से बचो, क्यों बचो, मतलब हमने क्या करा है ऐसा,
मुझे नहीं लगता कि लाइक अगर सच बोलना पाप है तो सच सच को हमें छुपाना चाहिए, किसी को डरना चाहिए। जो सच है वो हमेशा सामने आ जाता है, सच हमेशा बोलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि मैं उनका सब मतलब मैं उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ या मैं उनके खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं जो सच है वही बोल रही हूँ।